दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। कल उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक, उस बैठक में हीरो बनकर उभरे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य। पूरी कोशिश की गई थी एक साहब जो कोई प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं उनकी मीडिया टीम के द्वारा कि उनके अलावा किसी और को फुटेज ना मिले, लेकिन कहते हैं ना कि महफिल तो वही लूटता है जो सच बोलता है और दिल से बोलता है। कि मेरी बात बहुतों को बुरी लगेगी, लेकिन अपना काम है भैया, मैं तो भोले का भक्त हूं, बनारस का रहने वाला हूं, सच बोलता हूं। जिसको बुरी लगती है लगे, और जिसको न लगती है न लगे। पहले जरा ये भाषण सुन लीजिए केशव मौर्य का, जिसने कल महफिल लूटी है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में, और उसके बाद सोशल मीडिया पे तो ये वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि पूछिए मत। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा जरा केशव जी का वो वीडियो लगाया जाए। उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां संविधान व्यवस्था में सात का विश्वास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने गया, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सभापति, ये जो आपने सुना सिर्फ दो लाइनें बोली केशव मौर्य ने, संगठन सरकार से बड़ा है। वहां कार्य समिति में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं ने जितनी ताली बजाई ना, उतनी ताली कल दिन भर किसी के भाषण में भी नहीं बनी बजी, उस शख्स के भाषण में भी नहीं बजी जिसकी टीम उसको 24 घंटे लगातार उसको भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री कोई मीडिया टीम से नहीं बनता है, प्रधानमंत्री वो नेता बनता है जिसको जनता चुनती है, जिस पे कार्यकर्ता भरोसा करता है, जिसके जिसके लिए कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, अपना सर्वस्व त्याग करता है, वो नेता प्रधानमंत्री बनता है। खैर, जिसको कुछ लोग बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, ये वो सोचे वो विचार करें। कल केशव मौर्य ने दो बात बोली कि जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा है, मतलब जो कार्यकर्ताओं का दर्द है वही दर्द मेरा भी है। और एक बात बोले उन्होंने, एक बात और बोली थी कल कि मैं भले भारतीय जनता उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और संगठन सरकार से बड़ा है। इस वक्त परेशानी क्या आई है योगी सरकार के ऊपर? 4 जून 2024 के बाद हर जगह आलोचना हो रही है कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई, कार्यकर्ता की बात सुनी नहीं गई, जिसकी वजह से वो भाजपा को उत्तर प्रदेश में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और ये बात कहने की हिम्मत कल की का प्रदेश कार्य समिति में केशव मौर्य के अलावा किसी के नहीं। और उन्होंने एक बात और भी कही कि जो परिणाम थे हमारी आशा के अनुरूप नहीं आए, इस सच को स्वीकारा। एक और खेल हुआ, केशव मौर्य के वीडियो को रिलीज नहीं किया गया था, रात 8:30 बजे केशव मौर्य ने खुद इसको ट्विटर पर रिलीज किया। ये तो होता है पहला घटनाक्रम। और आज एक दूसरा ट्वीट किया है, जरा कंट्रोल रूम से कहूंगा उस ट्वीट को जरा लगाए, क्या लिखा है सुनिए जरा भाषा, और इस भाषा से क्या कहना चाह रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको।
पहले पहले पढ़ देख सुन लीजिए, जो भी होता है घटनाक्रम, पहले वाले ट्वीट को, जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज लगे जो दर्द वही कल पुरस्कार बन जाता है, आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सेवा विचार का, सत्य विचार का, कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता कभी जीत तो हार का, कार्यकर्ता ही मेरा गौरव और मेरा अभिमान है। क्या बोला उन्होंने कि जो भी होता है घटनाक्रम रास्ता स्वयं विधाता है। देखिए बहुत बड़ी बात कही इस पूरे जो ये जो लिखा है कि जो भी होता है उसको संविधाता रचता है। और कई बार क्या होता है, आज जिसको आप दंड समझते हैं कल वही पुरस्कार बन जाता है, निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का, कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता कभी जीत और हार का। ये स्वीकारोक्ति है, कई चीजों को स्वीकारोक्ति है। सबको पता है कि 2021 में योगी जी को हटाने की तैयारी हो गई थी, लेकिन कुछ वजह से ऐन मौके पे योगी जी को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया गया और 2022 का विधानसभा चुनाव आता है और अप्रत्याशित रूप से केशव मर्या सिराथू से हार जाते हैं। कई जानकारों को मानना है कि केशव मौर्य जबरदस्त भीतरघात के शिकार हुए थे। जैसे 2019 में मनोज सिन्हा गाजीपुर में भीतरघात के शिकार हुए थे, मतलब कुछ अंदर के लोगों ने ही इंश्योर किया कि केशव मौर्य सिराथू में चुनाव हार जाए। एक खेमे ने ताली बजा ली, मिठाई बांट दी, केशव मौर्य के हार के बाद मैं उनके घर खुद गया था ये देखने के लिए कि हार के बाद उनका मनोबल कैसा है। मैं सिर्फ उनके बॉडी लैंग्वेज को समझने गया था। गया भाई साहब, देखा चेहरे पे वही तेज शांति से बैठे हैं, तमाम विधायक आ रहे हैं हर वर्ग के भाजपा के, और कह रहे हैं साहब आप हार गए बड़ा अफसोस, लेकिन केंद्र नेतृत्व ने चुनाव हारने के बाद भी उनको उप मुख्यमंत्री का पद उनका बरकरार रखा। वैसे जैसे पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे उसके बाद भी उत्तराखंड का उनको मुख्यमंत्री इसी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बनाया था। तो समझिए केशव मौर्य को पता है भीतरघात हुआ था, इसीलिए हार भी गए थे तो भी उसका उन्होंने सोचा कि जो आज हमको दंड लग रहा है वो भविष्य में पुरस्कार हो सकता है। पूरी कल की महफिल तो उन्होंने लूटी। अब आज सुनिए हो क्या रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बात और अपने दर्शकों को याद दिला दूं, केशव मौर्य ने योगी से एक दूरी बना रखी है, उसके बड़े उनके तार्किक कारण है। याद करिए छोटी दीपावली जब बनती है, देव दीपावली के एक दिन पहले जो अयोध्या को दीपोत्सव मनाया जाता है, उस दिन भी केशव मौर्य नहीं गए थे। बहुत सी चीजों पे दूर रहते हैं क्योंकि शायद योगी जी उनसे दूर रहना चाहते हैं। तो केशव जी ने कहा आप हमसे दूर रहना चाहते हैं 2 कदम, हम आपसे 2 कदम और दूर चले जाते हैं, 4 कदम की दूरी मेंटेन करते हैं। देखिए केशव मौर्य जमीन से उठ के आए हुए नेता हैं, उनको कोई विरासत नहीं मिली है। केशव मौर्य विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, जो पहले अध्यक्ष थे अशोक सिंघल के साथ, उन्होंने अपना जीवन बिताया शुरुआती दिनों में, और राम मंदिर आंदोलन में उनकी एक छोटी बड़ी भूमिका थी। जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था उस वक्त एक स्वयंसेवक के रूप में केशव मौर्य ने अशोक सिंघल के साथ रहते थे, बहुत कुछ किया है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तो बाकी जो सज्जन है उनकी किसी की भूमिका नहीं है।
1991-92 में वो कहां थे आप लोग पता कर लीजिएगा। उसके बाद ये तो मैंने बताया, बड़ी संख्या में अब की बार क्या हुआ, जब से चुनाव परिणाम आया है बड़ी संख्या में ओबीसी नेता लगातार केशव मौर्या से टच में। और आप सुबह से भी, मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा 2-4-5 जो ट्वीट है उसको लगा दिया जाए, ये आज के 4-5 ट्वीट हैं, इसमें देखिए कि कितने नेता केशव मौर्या से आज मिलने गए हैं और इनके नाम क्या हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद गए और तमाम ओबीसी और अन्य जातियों के विधायक, पूर्व सांसद, मंत्री सब गए हैं केशव मौर्या से मिलने और सब केशव मौर्या के साथ खड़े होके मुस्कुरा के फोटो खिंचा रहे हैं। और संजय निषाद ने तो बड़ा राजनीतिक बयान दे दिया अपनी सरकार के खिलाफ कि भैया हम यहां इस सरकार में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सपा और बसपा के लिए काम करते हैं, जिनकी वजह से वो कामों में देरी करते हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हार मिली है। ये तो बयान संजय निषाद ने दिन में दिया। उसके बाद एक बड़ा बम फोड़ दिया देवेंद्र प्रताप सिंह, ये एमएलसी हैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, गोरखपुर बस्ती फैजाबाद विधान परिषद सीट से। इन्होंने बकायदा एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में बोला है कि प्राथमिक स्कूल के टीचरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और उन्होंने एक बड़ी बात बोली है कि डिजिटल अटेंडेंस अगर आपको लगाना है तो सरकार के सब विभागों पे लगाए, सिर्फ शिक्षकों पे क्यों लगाया जा रहा है। दूसरा, एक जो बड़ी बात उन्होंने कही एक इंटरव्यू में, तब मुझे याद आया कि कोरोना काल में इन्हीं प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने बढ़ चढ़ के जनता को तमाम तरह की, जो कोरोना में परेशानियां, तमाम तरह की दवाई वितरण, तमाम तरह की सेवा देने में बड़ा भयंकर काम किया था। और साथ ही साथ जब पंचायत चुनाव हुआ था तो 2021 में कोरोना काल में पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें प्राइमरी स्कूल शिक्षकों ने उस चुनाव को आयोजित करवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसमें बोला है आज देवेंद्र प्रताप सिंह ने कि 1600 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षक कोरोना में शहीद हो गए थे उस दौरान। तो उन्होंने शिक्षकों के हक की बात की। फिर उन्होंने बोला कि अधिकारी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं और बाकायदे चिट्ठी लिखी है, कंट्रोल रूम से कहूंगा ये उनकी चिट्ठी भी लगा दी जाए। खैर, ये देवेंद्र प्रताप सिंह ने बोला और योगी जी को आगाह किया कि योगी जी शिक्षकों के खिलाफ, शिक्षकों की बात सुनिए, डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था या तो सारे विभागों पर लागू कीजिए या सिर्फ शिक्षकों को ही, क्यों इसके लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की। अब आप समझिए हो क्या रहा है, एक ऐसी हार जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि हम बड़ी जीत हासिल करेंगे 2024 में, वो सारी उम्मीदें ध्वस्त हो गई। और केशव जी जमीन से उठे हुए नेता हैं, उनको विरासत में कुछ नहीं मिला, वो किसी बड़े संत के भतीजे नहीं थे, ना उनको बहुत सेफ सीट मिली थी। और केशव मौर्या पहली बार 2012 में सिराथू से चुनाव जीते थे, 2012 में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में मात्र 46 सीटें मिली थी। केशव मौर्या सिराथू से जीतते हैं, 2014 में फूलपुर से चुनाव जीतते हैं। उसके बाद अमित शाह उनको 2016 में उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाते हैं, गजब की मेहनत करते हैं केशव मौर्या और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, ठीक है उसमें अमित शाह भी थे, मोदी भी थे, और 325 सीटें भाजपा जीत के लाती है।
मैं क्यों बात कर रहा हूं केस समझ रहे हैं आप? वो ट्वीट देखिए, फोटोज देखिए, कंट्रोल रूम से कहूंगा वो ट्वीट फिर लगा दिए जाए। सिर्फ आज के आज कम से कम 30 से 40 एमएलए और सांसद केशव मौर्या से मिले हैं सिर्फ एक दिन में। उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास कितने विधायक हैं? 255। एक दिन में एक वो नेता, एक कार्यकर्ता ने लिखा कि 24 घंटे वो कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहते हैं। जो आदमी संगठन की संगठन जिसने बनाया हो, जिसने खड़ा किया हो, जो मेहनत किया हो, जो अशोक सिंघल का शिष्य हो, राम मंदिर आंदोलन में अशोक सिंघल के योगदान को पढ़ लीजिएगा जिसको जानकारी ना हो। आज राम मंदिर बन गया तो हर आदमी क्रेडिट लेने को तैयार खड़ा है। गलती नरेंद्र मोदी ने की, प्राण प्रतिष्ठा में उनको आडवाणी जी को लेके आना चाहिए था, चेक कैसे भी लाते नहीं थे। अशोक सिंघल जी स्वर्गवासी हो गए, कल्याण सिंह जी स्वर्गवासी हो गए, लेकिन आडवाणी जी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि आडवाणी जी आ जाते तो क्रेडिट शायद आडवाणी जी ले जाते, लेकिन मोदी जी और योगी जी गर्भ भी में रखे पूजा किए, और उस भगवान उस पूजा को भगवान ने कितना सुना आप खुद ही देख लीजिए। अयोध्या में हार गई भारतीय जनता पार्टी। ये जो फिर से लगातार पिछड़े और संजय निषाद खुल के केशव मौर्य अपनी बात कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर खुल के अपनी बात कहते हैं, और अनुप्रिया पटेल तो लगातार चिट्ठी लिख रही है, बिना ओबीसी के भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा नहीं पार कर सकती है यूपी में। 16-17% वोट बैंक था भाई साहब, मैं डाटा की बात करता हूं। 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव के परिणाम देख लीजिएगा, क्या वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का। अगर अब भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी और दलित नेताओं को वो जगह नहीं दी तो बहुत लोग अभी मुझे गालियां देने आ जाएंगे, गाली खाता रहता हूं, भोले का भक्त हूं, जहर पीने की आदत हो गई है, गाली दीजिए आप, लेकिन सच बोलता हूं। नहीं तो आज ही एक गया था दिन में, आज कई लोगों से मिला हूं, एक सज्जन कह रहे थे कि भाजपा अब दोबारा वापस 2012 और 2007 के दौर में जा रही है। कल की प्रदेश कार्य समिति में जितनी ईमानदारी से केशव मौर्य ने स्वीकार किया, कार्यकर्ताओं का महिमा मंडन किया, खास वही चीजें भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी करे तो भविष्य बदल सकता है, अब नहीं तो सबको पता है 2027 का परिणाम क्या होगा। उसके लिए बयान पलटने वाले बदलापुर के विधायक का पहला बयान, जो उन्होंने कहा था कि 2027 में यही हालात रहे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, खैर 24 घंटे बाद उन्होंने बयान छोड़ दिया। तो न्यूज लॉन्चर की रिपोर्ट कैसी लगी बताइएगा जरूर, कुछ कमी हो तो कमेंट कीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, न्यूज लॉन्चर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।